अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पेज नंबर 31 पे, कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का मुवाजना। फोटोसिंथेसिस जो है ये प्लांट्स में होती है, रेस्पिरेशन जो है ये तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर होती है। फोटोसिंथेसिस फूड बनाने का अमल है, जबकि जो रेस्पिरेशन है ये फूड को इस्तेमाल करने का अमल है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी ट्रैप होती है और ये ग्लूकोज पैदा करती है, जबकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है ये टूटती है, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं वो टूटते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एनर्जी इनकी मौजूदगी में और क्लोरोफिल जो पिगमेंट है इनकी मौजूदगी में हमारे पास प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, जबकि रेस्पिरेशन में ये जो इसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं इनकी अपोजिट होती हैं। इसमें जो फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये एनर्जी जो है ये हमारी तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में हमारी मदद करती है। ये आपने होमवर्क में लिखने भी है और याद भी करना है, टेबल बना के इसी तरह आपने कंपैरिजन भी करना है, उसको याद भी करना है और लिखना भी है।